बिग बॉस के घर में बार बार राहुल वैद्य को भगोड़ा कहा जाता है। अब इस भगोड़े वाले कमेंट पर राहुल वैद्य की मदर ने रिएक्ट किया है। कैसा लगेगा एक मदर को जब उनके बेटे को बार बार भगोड़े का टैग दिया जाएगा, इसी पर अब उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की है। हालांकि जो खबर मैंने आपको एक हफ्ते पहले दी थी कि जून में शादी है राहुल की, वही बात जो है उनकी मदर ने भी कही, क्योंकि मैंने जो है राहुल के डिजाइनर का और बेस्ट फ्रेंड जो है उमंग का इंटरव्यू किया था। अब जो है उनकी मदर कहती हैं कि जो भगोड़ा कहा गया उन्हें उसके बारे में क्या कहना है। तो उनका ये कहना है कि मैं इस पे क्या कहूँ, मुझे बस इतनी चीज़ें पता हैं कि राहुल को बहुत सारी जगहों पर सलमान खान ने सपोर्ट किया है। शुरू में जब वो अकेला था तब सलमान खान ने उसको कहा कि तुम अच्छा खेल सकते हो, वो उसको बहुत प्यार करते हैं पर्सनली, और उसको पुश किया, सपोर्ट किया, मोटिवेट किया राहुल को कि शुरू के एपिसोड में कि तुम करो करो करो, जब पूरा घर उसके अगेंस्ट था। ऐसे में मैंने उसको कहा अगर वो तुम्हें कुछ बात कहते हैं तो उसको इतना दिल पे मत लो तुम, और वो जो भी कहते हैं वो तुम्हें इसलिए कहते हैं कि तुम्हें गाइड करना चाहते हैं वो। हु नोज ही वुड हैव ऑल्सो फेल्ट डिसअपॉइंटेड, क्या पता उन्हें भी ये बात बुरी लगी हो कि राहुल जो इतना अच्छा गेम खेल रहा था वो घर छोड़ के क्यों चला गया, उसको नहीं जाना चाहिए था। तो हो सकता है कि सलमान को ये बात बुरी लगी हो और इसीलिए उन्होंने बार बार उसको वो ये कहते हो। यहाँ तक कि वो जब वापस आया सलमान ने उससे कहा भी था कि अब तुम वापस आए हो तब ट्रॉफी लेकर ही घर जाना। तो उनकी मम्मी ने इस तरह से रिएक्ट किया है कि कोई बात नहीं, अगर सलमान खान भगोड़ा कहते भी हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो उसको प्यार भी करते हैं, शुरू में सपोर्ट भी किया, गाइड भी करते हैं, और उसको ये भी कहा था कि तुम ट्रॉफी लेकर वापस जाना। तो इस चीज़ को जो है राहुल वैद्य की मम्मी ने बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो, स्पोर्टिंगली लिया है। उनका ये कहना है कि मैंने भी राहुल को बोला कि इन सारी चीज़ों को तुम दिल पर मत लेना।